हमारे अंकल जी रमेश अपना मकान बना रहे थे, तो ये फॉरेस्टिक कैट स्नेक्स यहाँ पे हल्का जहरीला, ये इनके यहाँ सीमेंट सरिया, और देखने आ गया भाई क्या क्या काम बाकी है, बिजली की फिटिंग भी बाकी है, ये सब चेक करने आ गया। हल्का जहरीला है और इससे कुछ खा रखा है इसलिए बैठा हुआ है। तो उसने मारू खार खाने के लिए बैठा हुआ है ये क्या चीज लगे। चलिए बात जी बात। अरे तार 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 क्या आए हो? हाँ तार है, बिजली का तार है। ये पूरा रखना जोली के द्वारा। रुक जाओ दो या तीन, रुक जाओ एक मिनट, केस का फोन आ रहा है, हट जाओ हट जाओ पापा, हट 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 जमीन पर रहता नहीं है सांप को, और ये बड़ा परेशान करेगा अंदर जाने में। चल चाचा अंदर पता है मुझे बंद कर रहे ऐसे नहीं, ऐसे बाज आएगा। ईमानदार से नहीं मान रहा था तो मुंह मुंह दबाना पड़ा। देखिए ये इसकी जो ये आंखें हैं, इसको फॉरेस्टिक कैट इसने कहा जाता है, इसकी हिमालय दुर्लभ सांप है हमारे में पाया जाता है। इसके द्वारा दो या तीन बच्चे चिड़िया की या मेंढक या चूहा इसने खा रखा है। इसकी त्वचा जो बिल्कुल प्लास्टिक पेंट की होती है, हल्का जहरीला है। हमने फ़ोटो मंगाई क्योंकि परसों कोबरे ने काट लिया था, अभी तो इसका निशान है। मना कर रहा है तुम बिना चाय पानी के वापस भेज रहे हो? हाँ हमारे घर में सुबह सांप निकला हुआ था, हमने पहले भैया को बाल भूषण भाई जी को फोन करके बुलाया तो आए, उन्होंने फोन उसको पकड़ लिया है सुरक्षित, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते ना, अरे ये सुनो बड़ा है बड़ा। दोस्तों ये हिमालय कैट स्नेक, फॉरेस्ट कैट स्नेक जिसको कहते हैं, बिल्ली आंखें, हल्का जहरीला, इसको सुरक्षित पकड़ लेगा। इसके द्वारा या तो चूहा या चिड़िया के बच्चे इसने खा रखे हैं। किसी के नवनिर्मित मकान पर ये बैठा हुआ था, फुफकारता कोबरे की तरह है और पेड़ पर रहता है, ये ज़मीन पर इसको रहना पसंद नहीं है। इस समय सुस्त है क्योंकि इसके पेट में भोजन अभी पचा नहीं पाया, अब पचाने के लिए से गर्मी की आवश्यकता होती है जो घरों में मिलती है। जैसे ये वापस जा रहा है अंदर ही, हेलो
पेड़ में चढ़ाते हैं।